तो हेलो दोस्तों, हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसमें हमको SSD अपग्रेड कर देनी है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि M.2 स्लॉट, उसमें हम लोग डालेंगे M.2 SSD। तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं SSD? हम लोग यूज़ कर रहे हैं गाइज HP की 256 GB की M.2 NVMe SSD। तो यहाँ पर मैंने फिट कर देखा तो वो वाला इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर ले लिया कैडी विथ 256 GB की SATA SSD, जो इसमें एक्यूरेटली फिट हो जाएगी। ये देखिए, तो चलो इसको हम जल्द जल्द से फिट कर देते। पहले तो मैं डालूंगा इसको DVD राइटर के जगह ये रहा, और उसके बाद बैटरी फिट कर दूंगा, और उसके बाद मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। जैसे गाइस पावर स्टार्ट की तो मैंने फटक से F9 की प्रेस की, जो है इसकी बूट ऑप्शन की। इससे जाने के बाद मैं यहाँ पर पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर हमको ऑप्शन दिख रहे हैं हार्ड डिस्क के, तो वहाँ पर मैं SSD में OS इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो चलो गाइस, बहुत सिंपल मेथड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारा तो ये वाली प्रोसेस हो चुकी है। अगर आपको पूरा वीडियो देखा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे बड़े से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।